ठीक है, कि पहली चीज कि मैं जो हूं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूं। ठीक है, होता क्या है कि आप सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मुझे किसी भी बड़े टीचर के साथ कंपेयर करने की कोशिश मत कीजिएगा। डॉक्टर रजत, डॉक्टर पीयूष सर, डीएम सर, उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये तो बस आप सबका प्यार था जिसने मुझे मोटिवेट किया, और आपने मुझे इतना बोला कि एक कोई आप टॉपिक पढ़ा दीजिए। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, देखिए मुझे कोई 15-20 साल की टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर। मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ कि देखिए मेरे 655 नंबर आए थे और रैंक 33 एम्स में लाया था। तो मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने क्वेश्चन सॉल्विंग जो जो मैंने किया था, जो मैंने किया था वो मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, सो आई होप कि आपको जो है अच्छा लगे, है ना, और आप जरूर मुझे बताइएगा, है ना। सो वी आर वेटिंग फॉर 2 to 3 more minutes। तब तक मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। जो ये चैप्टर है ना, ये मैं लिख दे रहा हूँ जिससे बच्चे जो नए भी ज्वाइन करें वो ये सुन सके, है ना। तो ये जो चैप्टर है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है, ये आप मान के चलिए आपके जो नीट 20 है इसमें आराम से कितने सवाल देगा, इट विल गिव एटलीस्ट 4 क्वेश्चन और मैक्सिमम 6 क्वेश्चन। और ये जो मैं चीज बता रहा हूं आपको, मैं पूरा एनालिसिस के साथ बता रहा हूं पिछले 10 साल से। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज आप मान सकते हो 5 सवाल देगा, है ना। वन इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू, इसमें जो है ये देखिए, ऐसा चैप्टर से बहुत सारे सवाल जो है कुछ कुछ बाहर से भी आ जाते हैं। सो हमें देखना है कि कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि बाहर से सवाल आ गया। हम लोग इसको बहुत स्ट्रैटेजिकली डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटी एज वेल एज जो 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 क्वेश्चन बाहर से भी आते हैं उन सबका डिस्कशन करेंगे। सो इनिशियली मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद लास्ट एट द एंड ऑफ द सेशन हम लोग सारे 10 साल के आए हुए जो सवाल है उसका अच्छे से डिस्कशन करेंगे, जिससे कि आपको कोई इशू ना आए। ठीक है, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं, मैं जो एनसीईआरटी है, मेरी जो पर्सनल एनसीईआरटी है, मैं उससे पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, सो इसको मैं फिर से फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, इसको प्लीज डाउनलोड कर लीजिए और आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। ये वही एनसीईआरटी है, मैंने इसको फिर से अंडरलाइन नहीं किया, जो मैंने उस वक्त अंडरलाइन किया था वही अंडरलाइनिंग, और इसी को पढ़ के मैंने केवल अपनी अंडरलाइनिंग पढ़ के जितने भी मैंने नंबर हासिल किए थे वो ऐसे था। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इट इज ऑलरेडी 8:40। सो मैं कुछ चीजें स्पेसिफाई कर दूं, ऐसा नहीं कि केवल ये लेक्चर देख लोगे तो यू विल बी परफेक्ट, है ना। इस लेक्चर को देखने के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच यू हैव टू डू इज आपको इसके बाद एनसीईआरटी को वर्ड बाय वर्ड खुद से पढ़ना है, चाहे मेरी एनसीईआरटी ही क्यों ना पढ़ लो, है ना। आप उसकी अंडरलाइनिंग ही अच्छे से क्यों ना पढ़ लो, फिर से पढ़ना है। दिस इज नॉट जस्ट दिस कैन बी अ सप्लीमेंट टू द एनसीईआरटी, बट दिस इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर एनसीईआरटी। आई एम अगेन मेंशनिंग, दिस इज अ सप्लीमेंट, नॉट अ कॉम्प्लीमेंट, नॉट नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर एनसीईआरटी। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो ये मेरी एनसीईआरटी है, एंड देखो मैं वही बताऊंगा जो मैंने खुद से पढ़ा था, और ये सारी अंडरलाइनिंग पुरानी है। ठीक है, सो एक बार हम लोग पोल कर लेते हैं कि आर यू एबल टू हियर मी। Are you able to see and hear me? आप इसका जवाब दे दो। ठीक है, और इसके आप फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई होप जिन बच्चों को भी ऐड होना था वो आ चुके हैं, एंड यू ऑल आर नाउ वॉचिंग दिस। सो गाइस स्टार्ट करते हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं केवल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, उसके बाद आपको खुद से सेल्फ स्टडी करना है। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, सो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बताऊंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहली जो गलती बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का चैप्टर इस पेज से। ठीक है, हाउ एवर यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम दिस पेज, एंड इस पेज से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि इंडियन साइंटिस्ट का नाम हु इज एसोसिएटेड विद ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ये आपको याद करना है, और इसके साथ आपको एक और नाम याद होना चाहिए। ठीक है, आपको नाम याद होना चाहिए नॉर्मन बोरलॉग का, है ना, एंड इनका कोलैबोरेशन हुआ
स्वामीनाथन के साथ, एमएस स्वामीनाथन के साथ, विच कल्मिनेटेड इनटू ग्रीन रिवॉल्यूशन। इश्यू क्या आता है, अब साइंटिस्ट का नाम आता है, आप लोग बोलने लग जाते हैं कि यार ये तो बाहर से क्वेश्चन है, वो बाहर से क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको इसमें हर चीज नहीं पढ़नी है कि कहां से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। देखिए मैंने अंडरलाइन किया था क्योंकि मैं उस वक्त मुझे पता नहीं था क्वेश्चन कहां से आते थे, लेकिन उसके बाद सब मैंने जब क्वेश्चन सब सॉल्व किए तो इससे देखो ये बस इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट चीजें जहां से क्वेश्चन आ सकता है वो मैं क्यू लिख देता हूँ उसके आगे, ठीक है। अब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन आ सकता है, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा ये पीडीएफ भी आपको दे दूं, एट द सेम टाइम आप अपने एनसीईआरटी में सब लिखते जाइए, राइट। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर, ओके। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो हेल्थ थी बहुत टाइम से पहले माना जाता था, इट वॉज कंसिडर्ड टू बी द बैलेंस ऑफ ह्यूमर्स, सर्टेन ह्यूमर्स, ठीक है। और एक ब्लैक बाइल हाइपोथेसिस थी, एक ब्लैक बाइल हाइपोथेसिस थी जो कि पहले चलती थी, ठीक है। तो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस और ब्लैक बाइल ये हाइपोथेसिस थी कि जिन लोगों के पास ब्लैक बाइल होता है वो हॉट पर्सनालिटी के होते हैं और इनको फीवर होगी, इनकी हेल्थ खराब होगी, ठीक है। तो अब ये अब देखिए ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि विद साइंटिस्ट यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड कौन सा ये क्वेश्चन ये है कि ये आएगी एनसीईआरटी की डैश यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, इन पर्संस यूजिंग विद ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मोमीटर डिसप्रूव द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। सो विच साइंटिस्ट डिसप्रूव द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, दिस इज द पोटेंशियल क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ब्लड सर्कुलेशन किसने की थी, विलियम हार्वे, आपको नाम आपकी टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे, अब हेल्थ किन चीजों से अफेक्ट होती है, इसमें आप बस ये हेल्थ, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शन, लाइफस्टाइल, इन तीन चीजों से अफेक्ट होती है, ठीक है। बस ये अंडरलाइन आप करते जाइए, ठीक है, इसमें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, ये WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ है। हेल्थ डजंट मीन मियर एब्सेंस ऑफ डिजीज, ठीक है, और फिजिकल फिटनेस, राइट। इट इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। आपको ये चीज समझनी है, क्वेश्चन ऐसा आएगा, हेल्थ मींस ऑप्शन ए होगा एब्सेंस ऑफ डिजीज, बी होगा फिजिकल फिटनेस, ऑप्शन सी होगा आपके पास बोथ ए एंड बी, ठीक है, और डी ऑप्शन स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, ठीक है। सो डी पे क्लिक करना है, आप बहुत सारे बच्चे इस पे बोथ ए एंड बी पे क्लिक वो करेंगे, ओला भरेंगे और ये गलत हो जाएगा, ठीक है, डी, ठीक है। अब व्हाट ऑल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू मेंटेन, तो बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन और रेगुलर एक्सरसाइज। आई डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन दिस, ठीक है। मैं आपको देखिए बहुत ऐसा नहीं किया, बहुत ज्यादा टाइम लेके मैं देखो जो बेसिक चीज आपको आती है इसमें मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, ना ही इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ये आप जानते हो। हेल्थ भाई ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, हाइजीन अपना करना चाहिए, सैनिटेशन हाइजीन और एक्सरसाइज करोगे तो आपकी हेल्थ बढ़िया रहेगी, दैट्स ऑल, ठीक है। अब क्या करना है, डिजीज क्या होता है, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ डिजीज, व्हेन फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स और सिस्टम्स ऑफ बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड, ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स, ठीक है। इट इज नोन एज अ डिजीज, दिस इज मींस दिस इज नॉट एज नॉट इज, ठीक है, तो इससे इसका नाम डिराइव हुआ है, ठीक है। तो डिजीज को आप क्लासिफाई कर सकते हो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस में। अब क्वेश्चन ये नहीं आएगा, अब क्वेश्चन ये आएगा कि विच इन्फेक्शियस डिजीज इज फेटल, ठीक है, और तो ये एड्स हो जाएगा, राइट। और जो मेन क्वेश्चन ये आएगा कि डैश अमंग द नॉन इन्फेक्शियस डिजीज इज अ मेजर कॉज ऑफ डेथ, तो आंसर वुड बी कैंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन वाइज हम लोग स्टडी करेंगे सारा। अब कॉमन डिजीजेस जो है वो हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमंस में। मैं आपको एक चीज बता दूं, आप लोग कुछ लोग पूछ रहे थे कि जो एनसीईआरटी है ना, इसको मैंने कैसे अंडरलाइन किया, जो नॉर्मल चीजें हैं याद हो जाती है अंडरलाइन किया, और जो कि मुश्किल होता है याद होता है उसको मैंने सर्किल किया हुआ है। देखो बैक्टीरिया सबको पता है, वायरस पता है, फंगाई पता है, प्रोटोजोअन पता है, हेलमेंट्स भी करता है। देखो ये मेडिकल लेवल मुझे पता है, उस वक्त जो था हेलमेंट्स याद होना चाहिए। सो वाइडेड ऑफ देखो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी ऑफ दीज कॉज आर नोन टू कॉज डिजीजेस इन ह्यूमंस, है ना। सो ये चीज होता है, एंड डिजीज दीज डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैथोजेंस। तो पैथोजेंस आ सकता है, व्हाट आर पैथोजेंस, ठीक है।
अब हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, क्वेश्चन वाइज हम लोग स्टडी करेंगे। तो एक मैं पोल कर ले रहा हूं, ठीक है, कि आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टीचिंग, ठीक है, यस नो, ठीक है, इस पोल का आप आंसर दे दीजिए, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूं। अकॉर्डिंगली आप नहीं बोलेंगे तो मैं अपनी स्पीड स्लो कर लूंगा, लेकिन आई बिलीव कि आप, मैं आपको जल्दी से पढ़ा दूंगा, इसके बाद आप अपना खुद का एक बार पढ़ना पड़ेगा। तो 95% कह रहे हैं यस, सो वी आर प्रोसीडिंग नाउ, या ठीक है, तो हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। अब आपको क्या पढ़ना है, जो कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको जो एक डिजीज जो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए, दैट इज टाइफॉइड, ठीक है। अब टाइफॉइड के बारे में व्हाट यू नीड टू नो इज कि, हाँ, व्हाट यू नीड टू नो इज इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, क्वेश्चन, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, एंड इट इज अ बैक्टीरियम, सो इट इज अ बैक्टीरिया बॉर्न डिजीज, ये भी आता है, आपको याद होना चाहिए, ठीक। अब क्या करना है, इसकी पैथोजेनेसिस कैसे एंटर करता है, देखो मैंने ये चीज याद नहीं होती, कैसे क्या करता है, इट एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड कैसे, बाय फूड, इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, ठीक है, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, और उसके बाद माइग्रेट करता है टू अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब इसके जो है सिम्टम्स क्या है, ठीक है, इसके सिम्टम्स आपके हैं सस्टेन हाई फीवर, इवन ये डिग्री आपको याद होना चाहिए, 39-40 डिग्री, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, ये यार याद कर लो, या खुद से याद करना है लाइन से, मतलब ये चीज आपको बस याद होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, है ना। अब क्या है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द कॉम्प्लिकेशंस और Which can occur in the severe cases of typhoid. अब लोग आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करेंगे, सस्टेन आई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन और एक जगह आएगा इंटेस्टिनल परफोरेशन एंड डेथ, ठीक है, बस इंटेस्टाइनल परफोरेशन आएगा, सो आंसर विल बी इंटेस्टाइनल परफोरेशन, राइट। सो दिस इज हाउ क्वेश्चंस कैन कम, राइट। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि एनसीईआरटी वर्ड बाई वर्ड इसको पढ़ना क्या है, कि आपको एक एक याद होना चाहिए क्या सस्टेन आई फीवर होता है, वीकनेस होता है, स्टमक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, हेडेक। सो देखो कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों दे सकता है आपको, कि उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ साल्मोनेला टाइफी बॉर्न टाइफॉइड, तो उसमें एक में हो सकता है सस्टेन आई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, डायरिया, हेडेक, सब कुछ से वो एक चीज डिफरेंस कर दे, तो आपको एक एक चीज याद होनी चाहिए, ठीक है। So I hope कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं आपको, देखिए मैं आपको केवल इसमें जो ह्यूमन हेल्थ डिजीज ये नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी पढ़नी कैसी है, या फिर ये कह लीजिए कि मैंने कैसे पढ़ी थी अपने प्रिपरेशन के दौरान, ठीक है। तो अब इसके अलावा क्या टाइफॉइड के बारे में आपको पता होना चाहिए, विडाल टेस्ट, ठीक है, दिस इज यूज फॉर कन्फर्मेशन, टाइफॉइड फीवर कुड बी कन्फर्म बाई विडाल टेस्ट, although it is a screening test, लेकिन देखिए NCERT में लिखा है it could be confirmed by Vidal test, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन और क्या आता है, Mary is associated with the name Mary is associated which of the diseases, ठीक है, तो आ सकता है typhoid, diphtheria, tetanus, anything, तो आपको पता होना चाहिए कि typhoid Mary थी, ठीक है, मैरी मेलोन थी, शी वॉज अ कुक, और इसने बस इनका इतना सिग्निफिकेंस है, इन्हें बहुत सारा टाइफॉइड स्प्रेड किया था बहुत सालों तक, ठीक है, बिकॉज शी वॉज अ कैरियर, ये भी इससे पता करती है एनसीईआरटी। तो मैं सबको बता रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़नी है, ये बच्चे छोड़ देते हैं, आप क्या पढ़ोगे एनसीईआरटी में, कि साल्मोनेला टाइफी ये क्वेश्चन आप बैक्टीरिया बना, और ये आप एक बार बस ऐसे ही ऊपर से ये चीज पढ़ जाओगे आप, ठीक है, इसको ऊपर से नहीं पढ़ना, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, वाइटल टेस्ट भी पढ़ जाओगे आप, लेकिन ये चीज नहीं याद करोगे, कैसे छोटा सा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो बैक्टीरिया, अब आपको बैक्टीरिया बॉर्न है वो डिजीजेस क्या क्या होती है, तो आपको याद रखना है निमोनिया हो सकता है, ठीक है, डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, ठीक है, ये सारी चीजें तो याद करनी ही है, टिटनस हो गया, ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो तो एनसीईआरटी में दिया है और आपको याद करना है। निमोनिया आप याद रख लीजिएगा गाइस, ये केवल देखो बैक्टीरिया कौन कौन से बैक्टीरिया से होती है ये पता होना चाहिए,
स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, यार ये याद करना है, ठीक है, इसको याद करना है, ठीक है, दोनों याद करना है। और क्वेश्चन आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस निमोनिया, और इसमें बहुत कंफ्लिक्टिंग होता है ना, कि ये दोनों साथ में है, ए बोथ एंड बी, नन ऑफ दीज, ऐसा ऐसा आता है, ठीक। सो निमोनिया आपको एक चीज याद करनी है, इट इज नॉट एक्सक्लूसिवली कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, मतलब कि वायरस, फंगाई, ठीक है, इन सब से भी हो सकता है निमोनिया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्या आपको याद करना है, निमोनिया में क्या होता है, ठीक है, एल्वियोलाई गेट्स फिल्ड विद फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन, और इसके सिम्टम्स क्या है। अब आपको ये तो याद कर लोगे, देखो मैं बिल्कुल बता रहा हूँ क्या क्या नॉर्मल आप याद कियोगे और क्या नहीं याद कियोगे, ठीक है। फीवर विद चिल्स, कफ और हेडेक, ये सब सिर दर्द कर रहा है, फीवर हो रहा है, ठीक है, फीवर विद चिल्स, कफ, खांसी आ रही है, सिर दर्द कर खांसी, सिर दर्द, और हमारा फीवर विद चिल्स आ रहा है, ठीक है। अब आपको याद करना है इन सीवियर केसेस, अब क्वेश्चन आ सकता है इन सीवियर केसेस विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंस, फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक, और एक चीज है लिप्स एंड फिंगरनेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश कलर, दिस इज अ वेरी to bluish, so this you should remember, this is a question, ho sakta hai usme bluish to red, theek hai, grey to red, aap confused ho jaoge, theek hai. ab iska mode of infection kaise hota hai, droplets, theek hai, so droplets aur aerosols jo hota hai infected person nikalta hai, theek hai, khaansa chheenka aur uske baad जो आपका जो हेल्दी पर्सन है उसके कॉन्टेक्ट में आया, ये उसने भी इनहेल किया ये सारी ड्रॉपलेट्स और उसको हो जाएगा। एक और चीज आती है कि जैसे मैंने क्या किया, मैंने लेट से ग्लास को टच किया, ठीक है, मैंने ग्लास को टच किया और उसके बाद मैंने पी लिया पानी, और उसी ग्लास को दूसरे ने टच किया, उसके बाद फिर उस हाथ को ऐसे आपने अपने फेस पे लगा लिया, ठीक है, सो उससे भी ट्रांसफर हो जाता है। दिस इज नोन एज फॉर्माइड बॉर्न, ठीक है, आप ये वर्ड सुन लो तो सोचते हैं में नहीं है, ठीक है, थोड़ा माइंडस, ठीक है। नाउ सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस निमोनिया कैन बी कॉज फॉर्माइट्स एज वेल एज ड्रॉपलेट्स, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब आपको क्या याद रखना है, कॉमन कोल्ड, इट इज कॉज बाय राइट, क्वेश्चन है पोटेंशियल। अब आपको याद करना है कि अब क्वेश्चन क्या आता है कि कॉमन कोल्ड इफेक्ट्स नोस, आपका आ जाएगा नोस एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, ठीक है, और ए एंड बी बोथ, ठीक है। तो आप लोग जो हो ज्यादातर बच्चे इसको पढ़ देंगे, लेकिन याद रखना है इट इफेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी बट नॉट लंग्स, ये आपको क्वेश्चन है, इट डजंट इन्फेक्ट, ये लंग्स पे इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। अब इसका देखो सिम्टम्स बहुत सिंपल है, नेजल कंजेशन, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, होर्सनेस, कफ, हेडेक, टाइडनेस, यार ये बहुत सिंपल है, सिर दर्द, खांसी, जुकाम, ठीक है, गले में खराश और खांसी और सिर दर्द, आप समझ गए, और विच में लास्ट फॉर 3 to 7, याद रखना है कि उसमें क्या दिया है। कॉमन कोल्ड यूजुअली लास्ट फॉर एक होगा 3 to 7 डेज जो आंसर है, बाकी आपको कंफ्यूजन मिलेगा, 7 to वाला आ गया 5 to 8 डेज। तो ये देखो ये मर्ज कर रहा है, अप्रोप्रिएट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन तब भी आपको जो दिया है तो करना, दिस शुड बी वेरी क्लियर इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन। इवन एनसीईआरटी में थोड़ा गड़बड़ भी दिया है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, आपको इसको समझना है, इसको आपको एनसीईआरटी ही मार्क करके आनी है, फैक्टर्स है, मजा आ रहा हुआ है ना। अब देखो अब इतनी स्पीड में चलेगा तो आप सोचोगे एनसीईआरटी में भी ऐसे होता है, स्टार्टिंग आप स्लो पढ़ते हो, मैं जानबूझ के आपको लग रहा होगा मैं ऐसी स्पीड बढ़ा दिया हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के वैसे पढ़ा रहा हूँ जैसे नॉर्मल इंसान पढ़ता है, ठीक है। तो आप सोचते हो कि स्टार्टिंग में जो स्पीड थी वो स्लो थी, आपको लग रहा है स्पीड बहुत ज्यादा हो गई, तो मिस आउट, आपको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं उसमें आगे इफिशियंसी में आ गई, लेकिन याद रखना इफिशियंसी में आपका होश मत खो देना, खुद छोड़ नहीं देना है, ठीक है। अब क्या आया, ठीक है,
ये होता है लास्ट देखो, और एग्जामिनर बहुत ढीट होता है, उसको पता है कि लास्ट वाला पार्ट जो एनसीईआरटी का होता है इंसान पढ़ते नहीं है, स्पीड में निकाल देते, वहीं से क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, लिम्फोइड ऑर्गन और टिश्यू इज लोकेटेड विद इन लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट एंड दिस इज नोन एज माल्ट। ठीक है, यहाँ तो आपको पता है जो माल्ट म्यूकोसा, म्यूकोसा कहाँ पर है? रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो एनसीईआरटी कहाँ तक याद होनी चाहिए। जब मैंने पढ़ा था, क्या पढ़ा था मैंने, इनेट इम्यूनिटी में मैंने पढ़ा था फिजिकल बैरियर में मैंने पढ़ा था इट इज ड्यू टू स्किन एंड म्यूकस और म्यूकस लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। मुझे याद आना चाहिए कि मैंने तीन चीजें पढ़ी, यहाँ पर पढ़ी और कहाँ रिलेट हुआ, वहां पर रिलेट हुआ था। राइट, सो दिस इज नोन एज म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू माल्ट। और अब देखो आपने यहाँ से आगे बढ़ गया, आप एज पे बढ़ गए, हो गया खत्म, मैं जल्दी नहीं पढ़ता हूँ। नहीं गाइस, बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज मिस हो गई है, माल्ट कंस्टिट्यूट्स 50%। दिस इज अ ट्रिपल क्वेश्चन, आपसे बंदा पूछेगा, एग्जामिनर पूछेगा 40%, 50%, 60%, 70%, आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि यार ये कैसा क्वेश्चन है, ये तो कहीं एनसीईआरटी में है नहीं, दिया हुआ है भाई एनसीईआरटी में, ट्रिपल क्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मैं आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि पढ़ना कैसे एनसीईआरटी। राइट, अब हम लोग पढ़ेंगे एड्स के बारे में। ठीक है, एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब आपको क्या याद करना, पहली बार कहाँ रिपोर्ट हुआ था, 1981 में। देखो मैंने इसको डबल अंडरलाइन किया है, क्यों, क्योंकि मुझे नहीं याद रहता, और एनसीईआरटी हर एक वर्ड याद होना चाहिए, 1981, यू शुड रिमेंबर दिस। ठीक है, और वर्ल्ड में किलिंग मोर देन 25 मिलियन, ये भी मैंने अंडरलाइन किया क्योंकि ये मुझे याद होना चाहिए, दिस कैन बी क्वेश्चन। देखो लगेगा बहुत बेतुकी सवाल लगेगा, पुराना डेटा भी लगेगा, लेकिन एनसीईआरटी में जो अपडेटेड एनसीईआरटी, ये मेरी पुरानी है देख लेना, अपडेटेड एनसीईआरटी में शायद यही है फिगर, तो ये है आपका फिगर, ये आपको रटा होना चाहिए, आपके टिप्स पे होना चाहिए। राइट, देख लेना, देखो ये मेरी पुरानी एनसीईआरटी है, ठीक है, जब मैंने पढ़ी थी, और आप अपनी एनसीईआरटी में जो फिगर है ये सब याद होना चाहिए, 1981, 25 मिलियन पर्सन्स। ठीक, अब एड्स किससे कॉज होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, एचआईवी, बहुत बहुत सुना होगा आपने। ठीक है, अब ये फैलता कैसे है, सबसे पहले इसी सीक्वेंस में याद करना है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है, इट इज ये फ्लूइड से, बॉडी फ्लूइड से फैलता है, ऐसे याद कर लो, बॉडी फ्लूइड्स से फैलता है। एक और एग्जाम्पल जो कि एक और जो डिजीज जो कि बॉडी फ्लूइड से फैलती है वो है इबोला। ठीक है, इबोला भी याद कर लो। ठीक है, आपका ये भी हो गया, और भी जो एसटीडीज हैं, बहुत सारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है आपको, लेकिन ये सब बॉडी फ्लूइड से बहुत सारी फैलती है। सो इसका तो आपको याद होना चाहिए, एड्स है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट याद रख लो, हेपेटाइटिस बी, जिसका आपको वहां रिलेट किया था, अभी आपने पढ़ा था, रिकॉम्बिवैक्स एचवी, विच इज अ रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी। ठीक है, ये सब आप रिलेट करो, मजा आएगा एनसीईआरटी पढ़ने में। देख लो मुझे कितना मजा आ रहा है एनसीईआरटी आपको पढ़ाकर, है ना, क्योंकि मुझे सब याद है अभी भी, मुझे इतने सालों बाद याद है, क्योंकि मैंने कितनी बार यार 20-30-40 मुझे याद ही नहीं, शायद 50 बार ही पढ़ चुका होता हूँ मैं, है ना, 11th से पढ़ रहा था, मैंने इसको 1.5 साल बार 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 पढ़ा हुआ है ना। तो अब कैसे बॉडी फ्लूइड से ये ट्रांसमिट होता है, राइट, ठीक है, किससे कॉज होता है, एचआईवी से, तो याद रख लेना है, एड्स एचआईवी फर्क है, AIDS is a syndrome and HIV is a causal organism. It is a virus. And what is a syndrome? Syndrome का मतलब होता है group of disorders. Group of disorder. एक disorder नहीं है. It is a group of disorder is equal to syndrome. Syndrome is the term used for a group of disorders that you have to remember. Right? अब इसके हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे, कि इसका transmission कैसे होता है, जानते हो आप लोग, sexual contact से होता है ना? और क्या कहां से होता है, ट्रांसफ्यूजन से होता है, कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स, देखो सब वही है, बॉडी फ्लूइड याद होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, इंट्रावीनस ड्रग अब्यूजर, ये देखो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपके पास क्वेश्चन आता है, अ 24 ईयर ओल्ड या फिर अ 16 ईयर ओल्ड बॉय कम्स विद, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, क्लिनिकल भी आ सकते हैं, देन देखो चेंज हो रहा है। ठीक है, 16 ईयर ओल्ड बॉय कम्स विद रिकरेंट फंगल एंड अपॉर्चुनिस्टिक, अगर एग्जामिनर अच्छा है तो आपसे पूछेगा, इट कम्स विद अपॉर्चुनिस्टिक एंड फंगल इन्फेक्शन, द लाइकली कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द डिजीज इज HIV is the answer. AIDS मत लगा देना. The causal organism. देखो ये सब इतना गलत करते ना लोग. अब आप समझ पा रहे हो. Recurrent fungal infection क्या? Fungal हम लोग को ऐसे infect नहीं करते क्योंकि हम लोग की immunity strong है. अब मेरी अगर immunity weak हो जाएगी, immunodeficient हो जाऊंगा, तो मुझे क्या होगा?
क्या हो जाएगा मुझे, एड्स हो जाएगा, लेकिन एड्स आंसर नहीं है, द कॉजल ऑर्गेनिज्म इज एचआईवी। ये मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि भाई कोई भी आपको क्वेश्चन हो जाए आप कर लोगे, है ना, और ऐसी एनसीईआरटी पढ़नी है। सो इट इज कॉल्ड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंट्रावीनस आपने नीडल शेयर की उससे होता है, बहुत क्लियर खत्म, ठीक है। अब इसमें एक चीज याद रख लो, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एड्स ट्रांसमिशन इन इंडिया इज वन, ठीक है, इज सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। अगर मैं वर्ल्ड की बात कर लूं तो उसमें है, वर्ल्ड में द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जो स्प्रेड ऑफ एड्स इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन वर्ल्ड में। अब इसको देखो थोड़ा गंदे उससे निमोनिक से याद कर सकते हो, इंडिया में तुम याद रखो पॉपुलेशन ज्यादा है, सो यू रिमेंबर दैट प्रायोरिटी वन जो है जो जिससे ट्रांसमिट हो रहा है दैट इज सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, मतलब आप याद कर सकते हो, कुछ बुरा नहीं है। और जो लोग मैं आपको देखो बहुत क्लियर बताता हूँ, बहुत लोग निमोनिक कुछ गंदे वल्गर भी बनाते हैं, उसमें कोई इशू नहीं, आपको देखो द कंसेप्ट शुड भी आपको याद होना चाहिए, आपको चीजें याद होनी चाहिए, दैट इज व्हाट इज द मोटिव, है ना। अब इसका हम लोग को साइकिल पता होनी चाहिए कैसे ये एक्ट करता है, ठीक है। So, रेट्रोवायरस है, ठीक है। अब देखो वायरल, अब देखो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, वायरल प्रोटीन कोट दिया हुआ है, मतलब कि देखो ये कहीं लिखा नहीं है, इट इज एंड लिखा भी होगा, एक मिनट मुझे देख दो, हाँ देखो देखना, इट इज इसका देखो इतना इतना सिग्निफिकेंट है ये डायग्राम, एनवलव्ड वायरस है, ठीक है। एक और चीज याद कर लो, इसके अंदर वायरल आरएनए कोर होता है, इसमें क्या होता है, टू कॉपीज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक है। अब कैसे इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्ट किया नॉर्मल सेल को, ठीक है। अब ये एनवलप बाहर छोड़ देता है, इसमें वायरल आरएनए इज इंट्रोड्यूस, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज इंट्रोड्यूस, वायरल आरएनए विद वायरल प्रोटीन कोट, ओनली वायरल प्रोटीन कोट, आंसर इज वायरल आरएनए ओनली, ठीक है। वायरल आरएनए, वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इट इज अ वेरी, ये बहुत बढ़िया ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसमें क्या है, आरएनए से डीएनए बन रहा है, आरएनए से डीएनए बन रहा है बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। और इस ये जो है जो डीएनए बना ये इनकॉर्पोरेट करेगा होस्ट के जीनोम पर, और ये जो अब जीनोम बना, अब जो 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 होस्ट का जीनोम है इसकी मशीनरी यूज करके न्यू आरएनए वायरस प्रोड्यूस करेगा, कैसे, बाय ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए जब आरएनए बनाता है तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, आपको याद रखना है। अब यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके ऊपर ये एनवेलप कहां से आ गया, एनवेलप कहां से डिराइव होता है, ये होता है होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से डिराइव होता है। और देखो मैंने इस तक को अंडरलाइन किया है, नोट इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव व्हाइल अदर वायरसेस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज। देखो मैंने कितने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, ऐसे ही आपको पढ़नी है, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, है ना। सो अब क्वेश्चन आ सकता है कि जब लेट्स से देयर इज अ वायरस, एचआईवी वायरस इन्फेक्टेड सेल, है ना, सो व्हाइल द वायरसेस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज, आफ्टर द वायरसेस आर रिलीज, इट में ऑप्शन हो सकता है, इट विल डाई, ठीक है, सेन इट कैन सर्वाइव, ठीक है, तो आंसर विल बी इट कैन सर्वाइव, देखो कैन सर्वाइव, दिस इज हाउ यू हैव टू रीड एनसीईआरटी, ठीक है। तो आपने एडिशनल क्या क्या पढ़ा, वायरल का एनवेलप होता है, ठीक है, एनवेलप देखो इसमें जो दिया है वायरल प्रोटीन कोट है, और इसमें दो कॉपीज है, ये याद कर लो, दो कॉपीज है, याद कर लो, क्वेश्चन आ सकता है इस पर, दो कॉपी, थोड़ा सा एडिशनल याद कर लो, है ना, दो कॉपीज है, और इसके साथ क्या है, दो कॉपीज ऑफ आरएनए है प्लस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है एंजाइम, ठीक है, अंडरस्टूड। और इसका आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये इन्फेक्ट करता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं नीचे, देखो पढ़ते हैं, ये समझ में आ गया आपको। अब आपको बहुत चीजें याद है, ये मिथ वाली चीजें हैं, इट ओनली स्प्रेड्स थ्रू बॉडी फ्लूइड्स, इट इज नॉट स्प्रेड बाय हैंडशेक या फिर कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट से नहीं स्प्रेड करता है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन क्यों सिंपल आते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि आप जो हो एक जो हो आप एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन ऑफ द कंट्री हो, ये सारी चीजें आपको सोशल चीजें पता हो, है ना, सेक्स एजुकेशन के रिगार्डिंग, है ना, तो दैट इज व्हाट गवर्नमेंट वांट्स, इसलिए सिंपल क्वेश्चन बनाती है, इट इज नॉट कॉज्ड बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट, है ना। सो क्वेश्चन आएगा कि एड्स स्प्रेड बाय ऑल एक्सेप्ट वन विल बी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सेकंड इज ट्रांसफ्यूजन, थ्री इज शेयरिंग नीडल्स, फोर्थ इज फिजिकल कॉन्टैक्ट हैंडशेक, तो दिस विल बी द आंसर, है ना।
अब एक और चीज याद करना है कि वायरस मेरे को इन्फेक्ट किया क्या, मुझे तुरंत एड्स हो जाएगा? नहीं, सिंड्रोम है, और सिंड्रोम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी। सो क्या होता है कि एड्स, अब देखो मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ। एड्स, अब ये जो एचआईवी आया, ये सेल को इन्फेक्ट किया। पहली चीज याद कर लो कौन सा सेल है। सबसे पहला जो सेल इन्फेक्ट होता है वो कौन सा है? सेल टी हेल्पर सेल, याद रखो टी हेल्पर सेल। और क्या साथ में इन्फेक्ट करता है? साथ में इन्फेक्ट करता है मैक्रोफेजेस को, ठीक है, दोनों को साथ में इन्फेक्ट करता है। लेकिन सबसे पहले अगर क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन पूछे कि विच इज इन्फेक्टेड फर्स्ट, ऑप्शन हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है टीएच हेल्पर मैक्रोफेजेस, ठीक है। सो प्रायोरिटी वन इज, प्रायोरिटी वन इज टीएच हेल्पर सेल, ठीक है, दैट इज यू हैव टू बी वेरी। तो ये सेल कौन सा है, यहां पर लिख लो टीएच हेल्पर है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये अपनी प्रोजेनी बनाएगा, और ये जब प्रोजेनी बनाया, अब ये और सेल्स को टीएच हेल्पर और मैक्रोफेजेस को करेगी। अब धीरे धीरे जो टीएच हेल्पर सेल है इनका पॉपुलेशन डिक्रीज होता जाएगा। अब आप जानते हो कि टीएच जो है टी है, टी सेल है, ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मीडिएटिंग सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है, विच इज अ पार्ट ऑफ, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। सो आपकी जब जो इम्यूनिटी है वो कम होती जा रही है, ठीक है। सो अब जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, जैसे कैंडिडियासिस है, नाम भी नहीं याद करोगे तो चलेगा, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो याद रहेगी तो बहुत अच्छा है, ठीक है। सो आपको अपॉर्चुनिस्टिक जो है वो इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है, माइकोबैक्टीरियल डिजीज भी है, आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आपको ये याद कर लो, आपको होने लग जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या याद करना है, ठीक है, अब मुझे धीरे धीरे, देखो ध्यान से समझना, धीरे धीरे ये जो टी हेल्पर सेल है, मेरी इम्यूनिटी, ऐसा तो नहीं कि वायरस आया तुरंत हो गया, देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन माय डिक्रीज ऑफ इम्यूनिटी एंड बिटवीन द जो मेरे से वायरस मेरे बॉडी के अंदर आया, सो दिस इज नोन एज टाइम लैग, ठीक है, और इंक्यूबेशन पीरियड कह लो। अब मैं बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी हूँ, मेरी जेनेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है मुझे बहुत टाइम आ जाए, मैं थोड़ा पहले ही ऐसे वीक था, मेरी न्यूट्रिशन अच्छा नहीं, तो मुझे जल्दी आ जाए। सो देयर इज ऑलवेज, अब क्वेश्चन आएगा, देयर मे बी, देयर इज नॉट, देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम्स, दिस टाइम में वेरी फ्रॉम फ्यू मंथ्स टू मेनी इयर्स, यूजुअली 5 to 10, ये भी याद होना चाहिए, 5 to 10 ईयर लिखा हुआ है, ठीक है। पूछ लेता हूं एक बार और, मजा आ रहा कि नहीं, आर यू लविंग माई सेशन? देखो मैंने कोई भी आपसे फालतू बातें नहीं की, बहुत सारा मैं देखता हूँ यूट्यूब पर जो फ्री में जो पढ़ाते रहते हैं उसमें 10 बार तो हेलो रचित, हेलो हेलो सिंगला, हेलो हेलो अर्चित, हेलो आदित्य, ये सब चलता रहता है, और भाई कैसे हो, आंसर दो, यस यस नो, यार भाई अभी बहुत कम टाइम है गाइस, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, आप यूट्यूब पे पढ़ो, लेकिन वही पढ़ो जो कि आपको बिल्कुल नहीं आता, नहीं तो खुद से पढ़ लो, मैंने खुद से पढ़ी थी, आज एम्स में हूँ, एंड आई बिलीव खुद से पढ़ सकते हो, मेरी भी जरूरत नहीं है ना, मत करो, मैं तो आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि पढ़ना कैसे है एनसीईआरटी, दैट इज व्हाट आई एम डूइंग, है ना। एंड फॉर अ टीचर 90% प्लस लोग कह रहे हैं आर यू लविंग माई सेशन, सो 90% प्लस कह रहे हैं, 93% है, सो दैट इज वेरी वेरी गुड, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, खत्म होने वाला, थोड़ा सा और मेहनत कर लो, उसका जो खाना खाओगे ना मजा ही कुछ और होता है, मेरे साथ भी ऐसे होता था, सोचता था 1 बजे खत्म करूंगा, होता 3 बजे खत्म था, लेकिन मैं 3 बजे तक खाना नहीं खाता था, 3 बजे जब खाना खाता था उसका टेस्ट ही अलग होता था, खाके देखना आज, अगर नहीं खाया ना डिनर खाके देखना, मैंने भी नहीं खाया है ना, ठीक है। अब क्या हुआ, आफ्टर गेटिंग इन टू बॉडी वायरस क्या करता है, मैं सब पढ़ा दिया, मैक्रोफेजेस में एंटर करता है, जहां पर जो आरएनए का जीनोम है वो रेप्लिकेट करता है, ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी याद रखना क्या है, टी हेल्पर, सबसे पहले टी हेल्पर में जाता है, एज वेल एज मैक्रोफेजेस, याद रखना प्रायोरिटी वन, बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। अब इसमें क्या लिखा, साइमल्टेनियसली टी हेल्पर में भी जाता है, मैक्रोफेजेस में कंटिन्यू करता है, मतलब याद कर लो ना, देखो देखो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन है, टी हेल्पर और मैक्रोफेजेस में दोनों जाता है, लेकिन प्रायोरिटी वन टी हेल्पर है, ठीक, क्लियर। इसके आगे बढ़ते हैं, अब क्या होता है, अब धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है, उसके साथ सिम्टम्स क्या आएंगे, ठीक है, सिंड्रोम है, सो इट इज नॉट एक डिजीज नहीं है, बहुत सारी चीजें होंगी, क्या होगी आपके साथ, फीवर आएंगे क्योंकि बहुत अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, डायरिया, वेट लॉस, ये सारी चीजें होंगी ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो 5 से 10 साल का इसने बोला ना पीरियड, फ्यू मंथ्स टू मेनी इयर्स ब्रैकेट में 5 to 10, देखो ये सब मुझे याद है क्योंकि मैंने इतनी बार पढ़ा हुआ है, फ्यू मंथ्स सब में नहीं लिखा, फ्यू लिखा है, इस लेवल तक मैं पढ़ता था, टू मेनी इयर्स, ठीक है, यूजुअली याद है 5 to 10 ईयर्स, देख रहे हो ऐसे याद होना चाहिए, है ना, सो आपको ऐसे पढ़ना, मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो अब मैंने आपको ये भी बता दिया
कि अब आपको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है, मैंने आपको माइकोबैक्टीरियम नाम बताया और मैंने इसको इतना अंडरलाइन इसलिए किया कि मुझे नहीं याद होता था उस वक्त माइकोबैक्टीरियम अपॉर्चुनिस्टिक कर रहा है, वायरसेस ठीक है, फंगाई, इवन पैरासाइट लाइक टॉक्सोप्लाज्मा, ये सब याद करना है। टॉक्सोप्लाज्मा कैन कॉज, आप सोचोगे यार ये तो बाहर का क्वेश्चन नहीं, कैन कॉज अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ठीक है। अब इसको तुम डायग्नोसिस कैसे करोगे, एलिसा से करोगे ठीक है। इसका कंसेप्ट बायोटेक का क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताने नहीं वाला, आप याद करो एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ एड, एक चीज हमेशा याद रख लो, नाको का फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाको, क्वेश्चन आ सकता है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, इतना है बस ठीक है। अब सिंपैथी हेल्प ये सब क्वेश्चन नहीं आता यार ठीक है, वो हेल्प सिंपैथी चाहिए, ये याद है। इसमें से जो क्वेश्चन है मैंने आपको बस पार्ट के चैप्टर के देख लो भाई, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ये जो पोर्शन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं देखो सच बात बता रहा हूँ, मेरे को इसको एटलीस्ट 50 बार पढ़ना पड़ा था ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ 2 ईयर्स याद करने के लिए ठीक है, समझने के लिए। इसमें याद करना है सब, इसमें कुछ पढ़ाने का नहीं है, एक मैं बता देता हूँ क्या क्या याद करना है ठीक है। तो ठीक है, इसमें क्या होती है जो कॉमनली अब्यूज, जो अब्यूज, जो ड्रग अब्यूज होता है, कौन कौन सी ड्रग अब्यूज होती है मेनली, ओपियोइड, कैनाबिनोइड, कोका, एल्कोलॉइड ठीक है, ये सब याद करना है एज सच की भाई ये होता है ठीक है। इसमें इसमें कुछ समझाने का नहीं है ज्यादा, एज सच याद करना है, बनाया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओपियोइड ठीक है, अब ये कहां से बाइंड होते हैं, ओपियोइड रिसेप्टर, तो ये तो अंडरस्टूड, इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा इन आवर। अब यहां क्वेश्चन बनेगा कहां कहां होते हैं ओपियोइड, बनेगा CNS, GIT, both, none of, both in our CNS and gastrointestinal tract. मुझे याद आ गया जो morpho nuclear lymphocyte that is equal to देख लेना, it is equal to neutrophil, it is another name ठीक है। polymorpho क्योंकि जो इसका neutrophil होता है उसका जो lobes होती है बहुत lobulated होता है ठीक है, pounding ठीक है, that is what is it is known as PMNL, polymorpho nuclear lymphocyte ठीक है। अब क्या इसमें याद करना है, इसमें आपको याद करना है हीरोइन, हीरोइन नाम सुना होगा आपने, इसको इसका कॉमन नाम याद करना है स्मैक ठीक है। और ये क्या कैसे बनती है, ये बनती है आर्टिफिशियली, कैसे, जो मॉर्फिन है, मॉर्फिन आपने सुना होगा पेन किलर होती है, इसको ने ठीक है एसिटाइलेशन किया तो क्या बनाता है आपका, इट इज डाइएसिटाइल मॉर्फीन। अब आपको देखो कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है, हीरोइन इज मॉर्फीन, एसिटाइल मॉर्फीन, डाइएसिटाइल मॉर्फीन, एन एसिटाइल मॉर्फीन, कुछ भी लिख दिया मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो याद होना चाहिए डाइएसिटाइल मॉर्फीन होता है क्या है, वाइट ओडरलेस बिटर क्रिस्टलाइन, सब याद होना चाहिए। यहां पर एमॉर्फस से कंफ्यूज कर सकता है, बिटर से, स्वीट से कंफ्यूज करता है, ओडरलेस से आपका कहता है एब्नॉक्सियस ओवर हो सकता है, वाइट की जगह आपको, वाइट की जगह कुछ और हो सकता है। तो ये एक एक चीज याद करनी है, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, आपको ये तो याद होगा पॉपी प्लांट से एक्सट्रैक्ट होता है इसको, पापावर सोमनिफेरम, लेकिन ये भी याद करना है लेटेक्स, लेटेक्स दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये सब आपको खुद याद करना है मेरे मेरे पढ़ाने के बाद ठीक है। पापावर सोमनिफेरम यहां तक याद करना है, ये अगर आपको मॉलिक्यूल भी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये हीरोइन है ठीक है। और इसमें थोड़ा कंसेप्ट कुछ बहुत, अगर बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन बन गया तो इसमें से ये हटा देंगे, बोलेंगे ये क्या है, या केमिकल लाइफ का भी क्वेश्चन हो सकता है, अगर दोनों एसिटाइल नहीं है तो ये मॉर्फिन और डाइएसिटाइल मॉर्फिन है तो इट इज हेरोइन, तो याद होना चाहिए ठीक है। तो हेरोइन तो आप ऐसे आपको हेरोइन इज इक्वल टू डाइएसिटाइल मॉर्फिन, मतलब मुझे सीएससी कहीं दिखे तो मतलब वो डाइएसिटाइल मॉर्फिन है, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं करोगे, ओपियोइड ठीक है ठीक है। अब इसके बाद आते हैं पापावर सोमनिफेरम के लेटेक्स होता है, और ये कैसे लिया था, स्नोर्टेक, ये याद रखना है भाई, इसमें चार ऑप्शन हो सकते हैं, इनहेलिंग, इंजेक्शन, क्वेश्चन देंगे थ्री, स्नोर्टिंग ठीक है। तो आपको सब याद होना चाहिए, और इसका एक्शन कैसे होता है, हीरोइन एज क्वेश्चन ऑप्शन वन स्टिम्यूलेंट, दूसरा डिप्रेसिव ठीक है, थर्ड बोथ ऑफ दीस, सो इट इज अ डिप्रेसेंट एंड स्लोस डाउन, ये सब याद करना है, सीएनएस पर एक्ट करना, मतलब समझ रहे हो ना, मैं आपको ये बता रहा हूं कैसे पढ़नी है एनसीईआरटी, इसके बताओ कैनबिनॉइड पर ठीक है। और देखो मैंने तो क्या किया था ना, ये सारे ना ड्रग्स ना मैंने अपनी लिस्ट के आगे लगा देता, मैंने तो देखो इवन ये पहले पढ़ा था, उसके बाद मैंने इवन ट्रूमैन करके लेवल पे भी पढ़ा था, बहुत सारे अलग अलग ड्रग्स होते हैं ठीक है ठीक है, फेनेट्रिन ठीक है, फेनसाइक्लिडिन, पेपरिडिन, इतने सारे ट्रूमैन में दिए थे, ट्रूमैन इतना लेस नो यूज, पढ़ने का कोई फायदा नहीं हुआ, आएगा यहां से और होगा कि आप इधर उधर को कंफ्यूज होगे, यही इतना ज्यादा लिखा है ना, एबल टू गेट माय पॉइंट।
अब कैनाबिनॉइड क्या होता है, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर, जैसे ओपियोइड, ओपियोइड रिसेप्टर। लेकिन याद रखना कि उसमें क्या लिखा था, ओपियोइड रिसेप्टर का पॉसिबल प्रेजेंट है सीएनएस एज वेल एज जीआईटी। यहां पर क्या लिखा है, यहां पर दिया है ब्रेन में। अब क्वेश्चन आ सकता है, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन, ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन बी सीएनएस। अब आप सोचोगे ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ सीएनएस बट सीएनएस आल्सो इन्वॉल्व्स स्पाइनल कॉर्ड। आंसर इज ए, बहुत कंट्रोवर्शियल ऑप्शन है, आप मेरे से बोलोगे क्वेश्चन गलत है, लेकिन ऐसे आते हैं क्वेश्चन। एनसीईआरटी में जो लिखा है ब्रेन, that is the answer, that is what I want to stress, ठीक है? And it is obtained for inflorescence, याद रखना, opioid जो था, कहाँ से आया था, latex आया था, latex plant की, और ये आया है cannabinoid, ये कहाँ से आया आपका, inflorescence, ठीक है? Of plant cannabis sativa, inflorescence आपको relate होना चाहिए कि भाई inflorescence क्या होता है, ठीक है? क्या होता है, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स याद आना चाहिए, और याद आना चाहिए कि इन्फ्लोरेसेंस में कौन सा टाइप होता है, रेसिमोस, साइमोस, समझ लो, सब याद होना चाहिए उसका क्या मतलब, ये सब रिलेट होना चाहिए, ठीक है? अब इसका, अब ये कहां से ऑब्टेन होगा, फ्लावर टॉप्स, लीव्स, रेजिन ऑफ कैनाबिस प्लांट्स आर यूज्ड फॉर वेरियस कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस मारिजुआना, हशीश, चरास, गांजा। अब क्वेश्चन आएगा, प्रिंसिपली ऑन ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन बी सीवीएस, ऑप्शन सी जीआईटी, ऑप्शन डी नन of all of the brain, क्योंकि आपको पता है चरस या फिर हशिश या मरिजुआना, these are cannabinoids, cannabinoids act principally on brain, तो ये सब आपको याद होना चाहिए, and they are also known for their effect on the CVS, cardiovascular system, मैं थोड़ा सा था, baby करते हैं, brain plus CVS is equal to brain, ठीक है, brain आ रहा है यहाँ पर और CVS आ रहा है, ठीक है, ठीक है, सीएन, ठीक है, और यहां पर क्या है, ओपियोइड में, ओपियोइड में आपके सीएनएस, सब याद रखना है, मतलब ये सब बहुत कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन मैंने याद किया था और ये सब आ जाता है, ठीक है, आपको सब याद होना चाहिए छोटी छोटी चीजें, है ना, क्योंकि इसमें आपके क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन आ जाते हैं फिर आप परेशान हो जाते हो, है ना, ये याद रखो, कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल ऐसा दिखता है, अपनी एनसीईआरटी में देख लेना, और दिस इज पूछेगा, दिस कॉजेस, दिस, ये आपको लीफ का एग्जांपल देगा, बोलेंगे दिस एक्ट्स बाय, दिस एक्ट्स बाय, ठीक है, दिस on brain, अब इसमें है brain, CVS, third option आया both of these, fourth option आया none of these, अगर both of these option है तो both of these, CVS भी दिया है यहाँ पर और brain भी दिया है, it acts principally on, अब अगर both of these option है तो priority one brain है, क्यों, क्योंकि NCERT में लिखा है, it acts, interacts with cannabinoid receptor present principally in NCERT, भाई वर्ड आपको पता होनी चाहिए, दैट इज व्हाट आई मीन, है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोका एल्कलॉइड, ठीक है, इसको कोकेन कहते हैं, ये कहां से होता है, इराथोक्साइलम कोका प्लांट से, और ये कहां का होता है, साउथ अमेरिका, सब याद करना, इसको और क्या कहते हैं, कोक क्रैक, ठीक है, स्मैक आपको याद रखना है, कहां था, ऊपर था, ठीक है, ठीक है, और ये क्या पोटेंट स्टिमुलेटरी एक्शन है, आप याद रखिए कॉन्सेप्ट, याद रखिएगा भैया कि जो ओपियोइड है, ठीक है, उसका एक्शन है, हीरोइन क्या है, हीरोइन इज एन ओपियोइड प्रेजेंट है, पर क्या है, एराथोक्साइलम कोका, ये जो है, ये क्या है, दिस इज अ स्टिमुलेंट एक्शन, कहां पर होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देखो कितना कंफ्यूज है, ठीक है, और इट कॉजेस सेंस ऑफ यूफोरिया, इंक्रीज एनर्जी, एक्सेसिव डोजेस, और मेरे को इंक्रीज स्टिमुलेशन करेगा तो मुझे जो चीजें नहीं भी वो भी दिखेंगी, तो हेलुसिनेशन करा देगा, है ना, और प्रॉपर्टीज और कहां कौन-कौन से में होती है, तो एट्रोपा, बेलेडोना याद रख लो, धतूरा, ठीक है, ये याद कर लो, ड्रग लाइक बारबिट्यूरेट्स, एम्फेटामिन्स, बेंजोडाइजेपिन्स एंड सिमिलर ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट पेशेंट्स विद मेडिकल डिसीजेस लाइक डिप्रेशन, इंसोम्निया, ठीक है, तो ये सब स्लो करती है आपके जो एक्शंस होते हैं, इसलिए मतलब नींद नहीं आ रही है तो उसको सोने में मदद करेगी, ठीक। अब मॉर्फिन है, इट इज अ वेरी इफेक्टिव, ठीक है, इफेक्टिव सीडेटिव एंड पेन किलर, जैसे मतलब डाइएसेटाइल मॉर्फिन इज हीरोइन, ठीक है, तो ये सब याद रखना है। अब देखो मैं बस छोटे से आपको बता देता हूँ, ये खुद से पढ़ लेना यार, ये बहुत सिंपल है, ठीक है, एडोलेसेंस को ये मैंने मार्क किया हो कि मुझे पता है ये वाला पार्ट भी कुछ ज्यादा सीरियस नहीं है, ठीक है, पीरियड इसको क्या लिखा, एनसीईआरटी में आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा, तीन ऑप्शन मिले, 15 से 18 12 से 16 12 से 18, मुझे पता है क्वेश्चन, लेकिन आंसर सी, बिकॉज़ ये दिया हुआ है, ठीक है, याद रखोगे आप।
अब यहाँ पर एक मैं आपको अच्छा कंसेप्ट बताता हूँ, ऑलमोस्ट खत्म हो गया चैप्टर, ठीक है। सो आपको जानना है एडिक्शन, आप एडिक्शन डिपेंडेंस सेम नहीं है, एडिक्शन इज अटैचमेंट फॉर सर्टेन इफेक्ट्स सच एज यूफोरिया, टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेलबींग एसोसिएटेड विद ड्रग्स एंड अल्कोहल्स। मतलब कि मैं ड्रग्स या अल्कोहल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे मजा आता है इसलिए ले रहा हूँ। अब दूसरी चीज देखना, मैं ड्रग्स और अल्कोहल इसलिए नहीं लेता कि मुझे मजा आता है, दैट इज सेकेंडरी। लेकिन अगर मैं ना लूं तो मुझे क्रैम्स आ जाएंगे और मुझे बहुत ज्यादा पसीना, क्रैम्स, ये सब हो जाएगा, तो देन आई एम डिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं हूं। अभी तो एडिक्शन है तो मैं अभी इंडिपेंडेंट था, लेकिन अगर मुझे इसकी लत लग गई, जिसको कहते हैं उसे डिपेंडेंस कहते हैं, ठीक है। सो एडिक्शन इज साइकोलॉजिकल, ठीक है, और डिपेंडेंस क्या होता है, डिपेंडेंस इज, ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मैनिफेस्ट अनप्लेजेंट विड्रॉल सिंड्रोम इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल इज एब्रप्टली डिसकंटिन्यूड। ये सब याद रखना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा कि डैश इज, ये नीचे का पूरा दे देगा, आप एडिक्शन डिपेंडेंस में कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना, तब भी एक बार रीडिंग जरूर लगाना, ठीक है, एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं, ठीक है। अब क्या याद करना है, ड्रग्स इंट्रावीनस मैंने आपको बता दिया, हेपेटाइटिस भी ये सब सकता है आपको, है ना, और ये दोनों फेटल डिजीज है। ट्रांसमिट कैसे होता है, सेक्सुअल गुड, किससे ट्रांसमिट होते हैं, फ्लूइड से, याद होगा आपको, है ना। अब इसके बाद क्या है कि अनदर मिसयूज ऑफ ड्रग, ठीक है, स्पोर्ट्समैन होते हैं, जैसे स्प्रिंटर्स जो होते हैं वो ड्रग लेते हैं जिससे कि अपनी रिकवरी जो टाइम है उसको कम कर ले, जिससे वो बार बार एक्सरसाइज करेंगे और स्पीड में वो स्पीड बढ़ा ले और जीत जाए इसको, है ना। सो अब साइड इफेक्ट क्या होता है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, ये लोग स्टेरॉइड लेते हैं, ठीक है, और ये लोग इसलिए लेते हैं जिससे मसल स्ट्रेंथ बढ़े, उनकी रिकवरी बढ़े, ठीक है, जल्दी रिकवर कर जाए, है ना, और इसके लिए उसको कैटाबॉलिज्म होता है, एनाबॉलिज्म प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, यहां पर आपको क्या रिलेशन होना चाहिए, रेस्पिरेशन इज इन्वॉल्व्स वन एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म सी बोथ ए सी कॉम्प्लेक्स पाथवे, देखा एक बार देखना उसमें रेस्पिरेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके देखो जो 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 साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड नहीं, ये याद कर लेना, मूड स्विंग, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, एनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस, ठीक है, डीपनिंग ऑफ वॉइस इन मेल्स इंक्लूड एक्ने इंक्रीज, ये सब आपके डिग्री ब्रेस्ट एनलार्जमेंट रिडक्शन, भाई उसमें आ जाएगा हाउ, भाई अगर बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन आया तो लोग पूछेंगे हाउ मेनी ऑफ दीज कैन बी द साइड इफेक्ट्स और द इल इफेक्ट्स ऑफ टेकिंग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। याद रखना, सब याद रखना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, खुद से पढ़ना है इसमें, मैं कुछ पढ़ाऊंगा आपको खुद से याद करना है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, पीयर प्रेशर को अवॉइड करोगे, अपने जो दोस्त हैं उनकी बातें नहीं मानोगे, अपने पेरेंट्स की बात मानोगे, एजुकेशन आपको होगी तो आप जो एजुकेट कर रहा हूँ तो सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स, अगर आप फंस रही है तो भी पेरेंट्स आप हेल्प लोगे, लुकिंग फॉर डेंजर साइन, ठीक है, कि आपके अगर आप फ्रेंड्स जो है वो अगर बताओगे, क्योंकि ये आप एक अच्छे फ्रेंड तभी हो गए, है ना। सीकिंग प्रोफेशनल, अगर आपको इंडिपेंडेंस हो भी गई तो आप जाओगे डी एडिक्शन और रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम हो जाओगे। सो फाइनली गाइज इसके साथ हम लोग खत्म करें चैप्टर, अब जल्दी से गाइज एडमिन आई विल प्लीज रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पुट द क्वेश्चन नंबर वन फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स। ये मैं आपको बता दूं, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको अभी कराने वाला हूं। एडमिन इफ यू आर स्टिल अवेक प्लीज पुट द क्वेश्चन, राइट, क्वेश्चन नंबर वन, प्लीज पुट क्वेश्चन नंबर वन अलोंग विद द पोल, ठीक है गाइस। सो चलो मैं आपको बता देता हूँ एक नई चीज, ठीक है, अभी मैं बोलता एडमिन रहा हूं, आपको क्या लगता है कौन ऐसा एम्प्लॉय होता है, ठीक है, जस्ट थिंक अबाउट दिस, कोई ऐसा अपने एम्प्लॉय देखा जो रात के 12 बजे काम कर रहा हो, कितने बजे, रात के 12:10 AM पर एम्प्लॉय काम नहीं करते, उनका फिक्स वर्किंग आवर होता है। हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो मैं एडमिन बोल रहा हूँ मैं बता दे रहा हूँ एडमिन कौन है, एडमिन इज हिमसेल्फ डॉक्टर रजत जैन, ठीक है, आई जस्ट नीड टू टॉक टू हिम की ही इज स्टिल अवे, he is also handling these की ये आपके जो 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 यहाँ पर जो है जो questions है, ठीक है, so जो question है please note, let me have a conversation with him, if he is still watching or he is not dozed off, ठीक है, so हम लोग ऐसे तब तक discuss कर लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी discuss करेंगे,
है ना, 10 मिनट लगेगा मैक्सिमम, सब खत्म कर लोगे। और देखो हम लोग कितने आगे तक आ गए, मैंने आपसे क्या बोला था 11 बजे तक खत्म करेंगे, अभी 12:08 हो रहा है और अभी भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। सो इसका मैं आपको पोल डाल दे रहा हूं, ठीक है, आप क्या कहते हो इसका क्या आंसर होना चाहिए, मैं ही पोल डाल दे रहा हूं, ठीक है। ही इज बिजी ऑन अनदर कॉल, सोचो अभी भी काम कर रहे हैं वो, ठीक है। तो ए बी सी डी क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आप मेरे को बताओ क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। हार्ड होता है प्लीज प्लीज, हाँ ओके 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 ओके, ठीक है। आई एम वेटिंग, 10 मिनट मैक्सिमम लगेगा, मजा आएगा यार तुम्हें, ऐसा लगेगा ना तुमने पढ़ा है और उसका बेनिफिट हो रहा है तुम्हें। ठीक है बेटा, इतनी गलती करोगे इसमें ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं। देखो क्यों कहता हूं मैं एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट है ना, मैंने आपको देखो एनसीईआरटी की लाइन दी है, ये एनसीईआरटी की ये लाइन है, क्या लाइन है आपको दिखा दे रहा हूँ, जिससे आप समझ जाओ कि आप लोग जो बोल रहे हो ना एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, एक्चुअली में बहुत अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। अब मैंने जब आपको इम्यूनिटी पढ़ाई थी, ध्यान से देखना, मैं आपको सब एनसीईआरटी पर ही दिखाऊंगा सारे क्वेश्चन जो है, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया प्रीवियस 10 साल की, ठीक है, आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या मतलब है आपको समझाने का, है ना। क्वेश्चन 2 भी डाल दिया गया है, एड करो। अब बच्चे होता क्या है ना, डर जाते हो, ऐसा सवाल देखा विशाल खोलेंगे, नॉट एन ऑटोइम्यूनिटी, सोरियासिस का नाम नहीं सुना, मुझे पता नहीं कैसे होता है, ठीक है, ठीक है, और विटिलागो मुझे अच्छे से पता नहीं है, मैं क्या करूंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं इस क्वेश्चन में तुक्का मारता हूं कि ये सब हुआ। अब क्या करते हो ना, बहुत एक देखो यही गलती करते हैं सब लोग, है ना, आपको ये गलती बेटा नहीं करनी है, क्यों नहीं करनी है ध्यान से देखना, ठीक है, से देखोगे, एक सेकंड दो मैं आपको दिखाता हूं। अब देखो ऑटो इम्यूनिटी पढ़ाया था आपको, ऑटो इम्यून डिजीज रिमोटॉइड आर्थराइटिस, डबल क्यू लगाया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल के रखा है, ठीक है, और अपने क्या आंसर लगाया, ठीक है, एक सेकंड रुको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। अब आपको देखो एक चीज तो पता है, ठीक है, रिमोटॉइड आर्थराइटिस, सो आंसर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखना है, सोरियासिस जो है इट इज एन ऑटोइम्यून डिजीज, ठीक है, और इसमें आपका इचिंग होती है, ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, स्किन से रिलेटेड है, विटिलागो भी जो है आपका स्किन से रिलेटेड है, और ये ऑटोइम्यून होती है, याद रख लो, ठीक है। ऑप्शन 4 एल्जिमस, थोड़ा सा अगर कंसेप्ट लाओगे तो आपको ये चीज याद होगी कि जो एल्जिमस होती है इसमें क्या होता है, आपकी मेमोरी कम होने लग जाती है, क्यों होती है, बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ बीटा एमाइलॉइड, नहीं पता तो लिख लो यार अभी पढ़ लो, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रीवियस ईयर पिछले नीट 2011 से 19 के बीच में क्वेश्चन है, सच मैंने दिया है, ठीक है। तो बीटा एमाइलॉइड डिपॉजिट होता है एंड इट इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज, सो आंसर इज एल्जाइमर्स डिजीज, ठीक है। सो 70% बच्चे गलत करते हैं इसका आंसर, लेकिन आपको गलत नहीं करना चाहिए, देखो आप एक तो एलिमिनेट कर ही सकते हो ना इसमें, रिमोटॉइड आर्थराइटिस, है ना, बाकी नहीं पता तुक्का फिर तुक्का लाओ, है ना, आपको पता है। सो देखो एल्जाइमर सब थोड़ा कंसेप्ट अगर सोचोगे ना कि डिग्रेडेशन ऑफ मेमोरी हो रहा है और ऑटोइम्यून मुझे नहीं लग रहा कुछ और होता था, तो थोड़ा सा कंसेप्ट कोई नहीं भी पता हो सकता है, कोई इशू नहीं है इसमें, अगर नहीं आता कोई इशू नहीं, सेकेंड आंसर आपने कितना अच्छे से किया, है ना। सो आप लोगों ने, ठीक है, ये एल्जाइमर इसका, ठीक है। Which of the disease mosquito transmitted pathogen causes chronic inflammation? देखो NCERT की लाइन है, elephantiasis, ठीक है, और it is Culex, याद रखना, female mosquito vector NCERT की लाइन है और Culex से transmit होता है, ये भी याद रखोगे, ठीक है, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपी प्लांट पापावर सोमनीफेरम स्मैक, अब देखो कितना भयंकर क्वेश्चन आ गया,
ठीक है, लेटेक्स मैंने भी याद दिलाया था, इससे क्वेश्चन आता है, अगर आप लोग अगर अटेंटिव होके पढ़े होगे तभी दे दोगे आंसर। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यूज फेल्स ऑफन ड्यू टू विच नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द पेशेंट बॉडी, विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल। देखो कितना कंफ्यूज होगा, लेकिन अगर आपको पता है सेल मीडिएटेड, ये बार बार क्वेश्चन आता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक है, तो ये ग्राफ्ट है, ठीक है, ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मैच द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस विद देयर पॉजिटिव एजेंट। देखो ये यहाँ का ये थोड़ा सा बाहर का क्वेश्चन है, लेकिन इसको रिलेट कर सकते हो, एड्स आपको पता है एचआईवी से होता है, ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करना होता है। अब आपने देख लिया 4 का 1 है, तो इसमें 3 ऑप्शन हो सकता है, ये ठीक है, A 1 3 D। अब इसके बाद आपको पता है गोनोरिया, आपको पता है इनकेस नेसेरिया गोनोरिया से होता है, नेसेरिया गोनोरिया, तो बहुत अच्छा है, आपका जो आंसर है वो ए आ जाता है। आपको केवल 2 चीजें पता होनी चाहिए, या फिर हो सकता है मैच द फॉलोइंग, बहुत आसान होता है। सिफिलिस पता है आपको किससे होता है, ट्रिपोनेला प्लेडियम से होता है, पहले टीएम से होता है, सो ये हो जाएगा। जेनिटल वॉर्ड्स पता है एचपीवी, तो वो ये क्वेश्चन डाले जाते हैं कि आपको अगर इसमें से इन तीनों में से, ये थोड़ा एडिशनल है, एड्स तो सबको पता होता है, इन तीनों से अगर एक भी पता है तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। ठीक है, अब इसके बाद बनते हैं माल्ट। देखो ये नीट 2017 का क्वेश्चन है, मैंने ये मेरे मेरे टाइम में आया था, हमने तुरंत ये डाला था, 50% डाला था और आगे बढ़ गया था, ठीक है। तो देखो मैंने इतनी बार आपको बता दिया, 96% बच्चे सही किए, ऐसे देख लो पढ़ाने से कितना फायदा होता है। और कल वाली पोल देखना जो अमन तिलक ऑर्गेनाइजेशन वाले, उसको टेलीग्राम पर डली है कि माल्ट कितना परसेंट करता है, ठीक है, मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ कितने। कल जब जब ये लोग देखो एनसीईआरटी सबने पढ़ी हुई थी, लेकिन इसको देखो कल मैंने इसको आंसर किया, तो जानते हो कितना आंसर किया, ठीक है, मैं फिर से फॉरवर्ड ही कर दे रहा हूँ आपको, ठीक है, ये देखो तेरह हजार लोगों ने वोट किया, कितने लोगों ने, 13,284 लोगों ने वोट किया, जिसमें से ओनली 59% पीपल न्यू द राइट आंसर वुड बी 50%। नाउ जब उड़ान का हम लोग ने आपको पढ़ाया, आपको समझ में आया, उड़ान स्टूडेंट 96% ऑफ द उड़ान स्टूडेंट्स हैव द आंसर, हैव द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो दिस इटसेल्फ इज अ मार्क ऑफ सेक्शन, एंड इट इटसेल्फ इज अ बिलीव कि आपको एक एज मिली हुई है, ठीक है, बाकी अपने कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डिजीजेस कॉज बाय बैक्टीरिया, ठीक है। अब देखो कॉलरा किससे होता है, विब्रियो कॉलरा से होता है, टेटनास मैंने बताया, क्लोस्ट्रीडियम टेटना, ये दोनों बैक्टीरिया है, ठीक है, और आंसर आपका यही आ जाता है, ठीक है, 80% ने सही दिया है। देखो स्मॉल पॉक्स जो है ना, पॉक्स वायरस होता है, पॉक्स वायरस, ठीक है, स्मॉल पॉक्स वायरस, मम्स मैंने बताया था वायरस से होता है, MMR, ठीक है, ठीक है, हर्पीस किस होता है, ह्यूमन हर्पीस वायरस, तो वायरस होता है, ठीक है, तो आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स कॉजिंग पॉजिटिव एजेंट एचआईवी। देखो यार इसको एनसीईआरटी पढ़ा है, तो एनसीईआरटी के बाद भी आपको इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। So, HIV is caused by, आपको पता है, ठीक है, HIV आपको पता है enveloped virus होता है, तो ये option हट गया, ठीक है। अब आपको पता है cell mediated immunity को ये कम करता है, तो acquired immunity, ठीक है, doesn't escape but attack the, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा option, ठीक है। अब option 1 और 2 में देखो, दोनों में enveloped है, containing one molecule of single stranded RNA with and one molecule of RT, ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। आपको देखो मैंने बताया था कि आरएनए इसमें 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो आंसर इज दिस। ये बहुत कम लोग आंसर करते सही, लेकिन आप लोगों ने 63% ने सही किया है। मैंने जब खुद पहली बार लगाया था उस वक्त जब मैं दे रहा था, तो उसके पिछले में तो ये मैंने गलत किया था क्वेश्चन, है ना, तो प्रीवियस ईयर हम लोग का क्वेश्चन था, शायद 2015 का है, तो मैंने गलत किया हुआ था, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैंने क्या बताया, टीलोमरेज क्या है, अमृत है, ठीक है।
अब ध्यान से समझना, ये देखो ये एनसीईआरटी मैंने दिया था तब भी आया, ठीक है। अब मैं अमृत को ज्यादा ले लूंगा तो मैं अमर हो जाऊंगा, मतलब कैंसर हो जाएगा, तो गेन ऑफ फंक्शन ऑफ टेलोमरेज विल कॉज कैंसर, ठीक है। अब देखो कितना कंफ्यूजिंग लिखा हुआ है, ठीक है। म्यूटेशंस इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टेलोमरेज, ठीक है। पहले तो इसमें लगाया है नॉट ट्रू, फिर यहां पर इनहिबिट, इंसान इसी में कंफ्यूजन हो जाता है इतना सब, एक तो टेलोमरेज नाम सुन के कंफ्यूज हो गया है ना। तो अब क्या है, अब ध्यान से समझना, विच इज नॉट ट्रू। तो पहले हम लोग इसमें से देखो, तीन ट्रू होंगे एक फॉल्स होगा, ठीक है। तो पहले ट्रू को निकालते हैं, ठीक है। म्यूटेशंस इनएक्टिवेट, ठीक है, इनएक्टिवेट द सेल कंट्रोल, बिल्कुल सही है। आपको याद होगा अगर म्यूटेशन हो गई तो सेल का कंट्रोल खत्म हो जाएगा, जैसे तुम, आपको याद होगा TP53 आपको पढ़ाया मैंने, गार्जियन ऑफ ह्यूमन जीनोम है ट्यूमर सप्रेसिंग, इसमें अगर इनएक्टिवेट हो गया म्यूटेशन की वजह से तो क्या होगा, आपका ट्यूमर हो जाएगा। लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन लीड्स टू कैंसर, तो ये सही है, ठीक है, ये सही ऑप्शन है। तो आपने तीन ट्रू में से एक ट्रू फॉल पकड़ लिया, ठीक है। म्यूटेशंस डिस्ट्रॉय टेलोमेरेज इनहिबिटर, इसमें बाद में आएगी, ठीक है। म्यूटेशंस इन प्रोटो ऑन्कोजीन एक्सेलरेट सेल साइकिल, बिल्कुल सही, याद कीजिए मैंने क्या बताया था, प्रोटो ऑन्कोजीन से ऑन्कोजीन कैसे बनेगा अगर म्यूटेशन हुआ, और एक गेन ऑफ फंक्शन ऑफ, ये गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है, तो ये भी सही है। अब वन और थ्री में हम लोग की गलतियां हैं, ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन एक आंसर गलत है जो हम लोग का असली आंसर है। और देखो जो 48% बच्चे हैं, ठीक है, उन्होंने ए मार्क किया 48% ने, और 25% ने ऑप्शन सी मार्क किया, ठीक है, तो ये दोनों मेजर वो है ना। सो अब क्या है, म्यूटेशन जो कि इनहिबिट करते हैं टेलोमरेज का प्रोडक्शन, देखो टेलोमरेज का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो कैंसर होगा, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और टेलोमरेज का इनहिबिटर देखो बहुत कंफ्यूज किया, देखो मैं फिर से समझाता हूँ, टेलोमरेज प्रोड्यूस होगा तो अमृत होगा कैंसर होगा, ठीक। अब क्या है, अगर आपका टेलोमरेज इनहिबिटर टेलोमरेज को कम प्रोड्यूस करता है, ठीक। अब टेलोमरेज का इनहिबिटर जो है वो अगर उसको हटा दोगे तो टेलोमरेज ज्यादा प्रोड्यूस होगा, टेलोमरेज ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो क्या हो जाएगा, अमृत है कैंसर होगा। तो इसके इनहिबिटर को हटा, या तो टेलोमरेज को ज्यादा प्रोड्यूस कर दो, या तो टेलोमरेज के इनहिबिटर को, टेलोमरेज के इनहिबिटर को हटा दो, तो दोनों केसेस में टेलोमरेज का लेवल बढ़ेगा और उससे कैंसर होगा। सो म्यूटेशंस दैट डिस्ट्रॉय टेलोमरेज इनहिबिटर विल कॉज कैंसर, ठीक है, तो दिस इज ट्रू, ठीक है, दिस इज ट्रू। सो आंसर आपका है, अगर म्यूटेशन इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टेलोमरेज, अगर टेलोमरेज प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या, अगर आपका टेलोमरेज जो है प्रोड्यूस कम होगा, ठीक है, तो आपका सेल जल्दी मरेगा, एपोप्टोसिस जल्दी होगी, एपोप्टोसिस जल्दी होगा तो कैंसर कहां हुआ, मेरी बात समझ रहे हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, एंटी वेनम इंजेक्शंस कंटेन प्रीफॉर्म एंटीबॉडी, ठीक है, मैंने आपको बताया भाई पोलियो ड्रॉप्स दैट आर एडमिनिस्टर्ड इन टू बॉडी कंटेन, मैंने बताया था, तो पोलियो ड्रॉप की बात किया, दो बूंद जिंदगी के लिए एटीनुएटेड पैथोजन, याद होगा, ठीक है। In higher vertebrates, immune system can distinguish cell cells from and non-cells. NCERT line. If the property of cell is lost due to genetic abnormality and it attacks cell cells, it leads to, ठीक है, autoimmune disease. For example, किसका क्या है? Rheumatoid arthritis. ठीक है, याद रखना आपको. Question number 12. Depletion of which gas in atmosphere leads to increase the incidence of skin cancer? Skin cancer को क्या कहते हैं? Melanoma. ठीक है, और ओजोन मेन देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ओजोन मेन ग्रीन हाउस गैस से हटाओगे यूवी लाइट पेनिट्रेट करेगी, और इसको कंसेप्ट को तुम याद रखना, यूवी लाइट पेनिट्रेट करेगी, इट इज अ रेडिएशन, और आपने भी पढ़ा था कैंसर कैसे होता है, बाई कौन से, बाई आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक गामा रेज एंड एक्स रेज, देखो एनसीईआरटी की लाइन में वो रटी हुई है, आयोनाइजिंग क्या में क्या है, गामा रेज और एक्स रेज, और नॉन आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग में दिया नहीं था लेकिन मुझे पता है नॉन आयोनाइजिंग यूवी रेज होती है, ठीक है, और दिस कैन कॉज कैंसर, ठीक है। ग्राफ्टेड किडनी में भी रिजेक्टेड बाई, गिव अवे है गाइस, गिव अवे है, गिव अवे क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोगों ने सही किया 90% बच्चों ने। इफ यू सस्पेक्ट मेजर डिफिशियंसी ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या है, ग्लोब्यूलिन है, ठीक है, सो आप, और ये देखो ये जो ये ना ग्लोब्यूलिन का फंक्शन प्रोटेक्शन ये दिया हुआ है, जो एक ब्लड सर्कुलेशन वाला चैप्टर है क्लास 11 का, उसमें दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको आप देख लेना, उसमें स्टार्टिंग में दिया हुआ है, ठीक है। एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन तीन दिए हुए हैं प्रोटीन, एल्ब्यूमिन मैंने ऐसे क्या किया था, एओ एल्ब्यूमिन बोले तो ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, फिब्रिनोजन बोले तो क्लॉटिंग के लिए जरूरत होता है, फिब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में यूज होता है, ठीक है, ठीक है, आपको याद होगा क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, थ्रोम्बिन जो होता है फिब्रिनोजन को
फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और ये आपको क्लॉट बना देता है, ठीक है, क्रॉस लिंकिंग होती है यहाँ पर। एनसीईआरटी के डायग्राम में याद कर लेना ये सब, ब्लड वाले चैप्टर के हैं, मैं नहीं वो डॉक्टर रजत पढ़ाएंगे, लेकिन यार ये सब पता होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए सब, ठीक है। लार्जेस्ट परसेंटेज ह्यूमन विल गिव अवे कोलेस्ट्रॉल IgA, समझ गए, ठीक है। अब ये चीज आप याद कर लो, है ना, तो इसमें आपको इतना तो याद होगा कि जो 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 ये है, ठीक है, आपको ये याद होगा कि जो पोलियो है, ठीक है, पोलियो याद होगा आपको, हार्मलेस वायरस, वायरस है ये इतना याद, और हार्मलेस वायरस करते हो तो डी का वन हो गया, तो आपके पास ऑप्शन 3 या 4 बना, नहीं पता तो दुक्का ला के आगे बढ़ जाओ। ज्यादा पता है तो ये याद पता होगा, टीबी जो होता है इसमें BCG होता है, BCG इज अ लाइव एटीनुएटेड वैक्सीन, ठीक है, सो इट कंटेन्स, ठीक है, हार्मलेस बैक्टीरिया, ठीक है, सो ए का 4 है, आंसर इज ऑप्शन नंबर, देखो ये सब नहीं पता होगा ना, लेकिन इसको थोड़ा सा देखो, अगर देखो ये अगर आपको केवल डी पता है ना, तो आप लोगों ने कितना कितना गंदा आंसर किया, देखो ऑप्शन ए आंसर किया 23% ने, ठीक है, ऑप्शन बी 26%, ऑप्शन सी किया है 24%, और ऑप्शन डी किया है 28%, बोले तो ऐसे ही होता है, तुक्का 10% तो ऐसे ही होता है, तो तुक्का ऐसे नहीं मारना ना, पोलियो तो मैंने बताया हार्मलेस वायरस होता है, कोई तो वायरस होता ही नहीं है, तो ये तो क्लियर है ना, तो अगर आपको पता है तो 3 या 4 में तुक्का मारोगे, तो और बच्चों ने जिन्हें ए भी मारा ऐसे तुक्का नहीं मारना है ना, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है कि जो 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 टीबी है, ठीक है, उसमें हार्मलेस बैक्टीरिया होता है, BCG वैक्सीन होती है, बचपन में देते हैं, यहाँ पर टीका होता है, यहाँ पर स्कार भी होता है BCG का, लेफ्ट आर्म के, ठीक है, लेफ्ट आर्म में होता है, ठीक है। सो आपने देखना आपके होगा, ठीक है, हूपिंग कफ पर्ट्यूसेस कहते हैं, और DPT देते हैं, DPT, ठीक है, ठीक है। अब ये याद कर लो यार, पता मैंने भी याद किया था, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन होता है इसमें, और सॉरी जो ये होता है इसमें आपको किल्ड बैक्टीरिया होता है, और डिप्थीरिया में जो होता है आपका इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन होता है, DT टॉक्सिन होता है, ये याद रखो, बाद में पढ़ोगे यार, ये नहीं भी हो रहा है इसको इग्नोर करो, कुछ क्वेश्चन बाहर से आएंगे NCERT से, ये 90 में से एक सवाल है, 80+ सवाल आपके NCERT से आएंगे, और ये चैप्टर ही ऐसा थोड़े से बाहर से सवाल आ जाते हैं, है ना, डू नॉट वरी, ठीक है। ट्रांसफर थ्रू सीमेन ऑफ इन्फेक्टेड, मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, हेपेटाइटिस वायरस, HIV, ये आपका फ्लूइड से ट्रांसफर्ट होता है, और इबोला भी बताया हुआ है, ठीक है, जिन लोगों ने तुक्का ही मारा है ना, चिकनगुनिया आपको पता है यार, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, तो मतलब क्लियर है, सीमेन से उससे ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है, तो आंसर इज 4 चिकनगुनिया, वेरी सिंपल। अगर नहीं भी पता ना इबोला के बारे में, तभी आप कर लो इसका आंसर, HIV दैट कॉजेस एड्स फर्स्ट स्टार्ट्स डिस्ट्रॉइंग, ठीक है। अब कुछ भी हो, हेल्पर टी सेल ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। अब आप बोलोगे ल्यूकोसाइट है, ल्यूकोसाइट के अंदर ही तो आता है लिम्फोसाइट, ठीक है, 5 टाइप के ल्यूकोसाइट होते हैं, लेकिन नहीं, NCERT कहता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेजेस, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी, खत्म ना, ठीक है, ज्यादा नहीं दिमाग लगा रहा, ठीक है। और ये सारे पिछले 10 साल के सवाल है। अब मैं आपको बताता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइम हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद ग्रेटर यूवी रेडिएशन, ठीक है। सो आपको पता है यार, यूवी रेडिएशन होगा तो मेरे को कैंसर होगा, कैंसर कहाँ कहाँ से होगा, ठीक है, कैंसर होगा मुझे, मतलब ये आंसर नहीं है, कैंसर मेरे को स्किन कैंसर होगा, मेलानोमा होगा, ठीक है, तो इज नॉट एसोसिएटेड, नॉट वन, ये ध्यान से रखना, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। और आई भी तो डैमेज होगी यार, आपको पता है सूरज से आज ज्यादा सूरज को देखोगे, क्यों, क्योंकि उसमें ये होती है, ठीक है, तो मतलब रेज होती है, तो ये तो आंसर होगी, अगर तुक्का भी लगाना है ना, तो ए और सी के बीच में लगाओगे, ठीक है। अब देखो कहीं ना कहीं आपका रिड्यूस इम्यून सिस्टम भी हो सकता है, लेकिन इंक्रीज लिवर कैंसर नहीं होता, इंक्रीज लिवर कैंसर नहीं होता, आंसर इज ए, ठीक है। नहीं भी पता तो तुक्का लाओगे और सी में, ठीक है। द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंटीविरल हिस्टोलिटिका फीड्स ऑन, देखो ये मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन आएगा, देखो यही आया क्वेश्चन, देख रहे हो, ब्लड ओनली, म्यूकोसा सब म्यूकोसन कोलन ओनली, फूड इन इंटेस्टाइन, आंसर इज दिस, एरिथ्रोसाइट्स, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ कोलन, लार्ज इंटेस्टाइन, कोलन इज लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। सो एक बार आप मुझे बता देना कि हाउ वाज द क्लास, में 5 मिनट आपसे और डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, इस फोन कर देना, मैं डिस्कशन ग्रुप जो थोड़ी देर के लिए ओपन कर दे रहा हूं, थोड़ा बहुत पूछ लो, लेकिन मेरे 3% बैटरी है फोन की, ठीक है, डाउन होने वाला है, प्लीज मुझे कर्ज मत कीजिएगा, मैं बस 2 से 3 मिनट आपको बताऊंगा, मेरी फिर फोन की बैटरी डेड हो जाएगी, ठीक है। 99% कहते 5 स्टार, थैंक यू सो मच, ठीक है, मैं ओपन कर रहा हूँ डिस्कशन, बस 3 से 4 मिनट बताऊंगा आपको, एक सवाल मैं अलाउ कर रहा हूँ हर बच्चे के थ्रू, ठीक है, एक सवाल या एक आप बता सकते हो, कैसी लगी क्लास, आप बताओ, लिख के बताओ, ठीक है। और अगर ज्यादा मन है कुछ मेरे लिए करने का, एक काम कर देना, बस गूगल प्ले स्टोर पे जाना, उड़ान ऐप डाउनलोड तो है ही आपके पास, इसमें एक प्यारी सी रिव्यू लिख दो,
दैट्स ऑल। मैं बाकी एजुकेटर जैसा नहीं हूं जो लास्ट में जाके बोलते हैं कि अमन 30 कोड लगा दो, प्रोमो कोड लगाओ, ठीक है 40,000 के जो सब्सक्रिप्शन है उसमें से 30% ऑफ मारो, ठीक है, और आपको अभी भी ये जो सब्सक्रिप्शन पड़ेगा कितने का पड़ेगा, 28,000 रुपए का पड़ेगा, आपको लगेगा बहुत मजा है। भाई हम लोग बहुत सीरियस सिंपल लोग हैं, हम लोग बिलीव करते हैं आपको अच्छा टीच करना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आई एम नॉट अ ग्रेट टीचर, लेकिन मैंने आपको वो बताया जो कि मुझे आता था। मैं मैसेजेस अलाउ कर दे रहा हूँ, ठीक है, एक मैसेज हर बंदा लिख सकता है, दैट्स इट, ठीक है। या ये तुमने तो शिवानी कुलकर्णी है ना, जैसा क्वेश्चन पूछा है ना, मेरे दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आते थे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, ठीक है। मैं इसका तो मैं आंसर देता हूँ, लेकिन इट इज नॉट, देखो बच्चों जो इतना बड़ा बड़ा यहाँ पर लिख रहे हो, द बेस्ट थिंग, जहाँ बड़ी बड़ी जगह एनसीईआरटी पे कोई भी स्ट्रेस नहीं करता, वहां बस बोल दिया जाता है कि रीड एनसीईआरटी, या लिटरली वर्ड बाय वर्ड पढ़ाई जा रही है। गाइस अगर इतना आपको बड़ी चीजें लिखनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, उड़ान ऐप पर लिखो, ठीक है। जो भी ये सब बोल रहे हो, थैंक यू सो मच। कैसी लगी क्लास सब लोग बताओ मुझे, ठीक है। अब हम लोग डिनर करेंगे रात के 12:30 बजे, 4 घंटा हम लोग पढ़ लिए, लेकिन याद रखना आपने मेरे को प्रॉमिस किया हुआ है। अब आप में से मैं फिर से बता रहा हूँ, 90%, देखो फिर से बताता हूँ, देखो इनिशियल जब क्लास स्टार्ट हुई 100% लोग थे, 100% में से 70% बच्चे अभी तक भाग चुके हैं, ठीक है 30% बच्चे हैं, ठीक। अब 30% में से भी, ठीक है 90% बोले तो, अगर 100% है, ठीक है, तो उसका कितना परसेंट हुआ, ठीक है 27% बच्चे और 3% बच्चे, ठीक है हाँ। तो 100% में से जो 27% अभी ये जो बच्चे ना, 30% आप लोग जो बोल रहे हो, इसमें से भी जो 90% बच्चे हैं, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, और बाकी बचे 10%, 90% बच्चे भी सो जाएंगे, they will sleep। 10% ही बच्चे होंगे जो कि अपनी जो प्रॉमिस है कि मैंने जो एनसीईआरटी आपको प्रोवाइड की है उसको एक बार खुद से गो थ्रू करोगे। मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा, लेकिन इफ यू मेक दिस 1 extra mile, इट विल गिव यू 1 extra question। माई रैंक इन एम्स दिल्ली इज AIR 33। अगर मेरे 2 question गलत होते, मैं एम्स में नहीं होता। सो डिफरेंस बिटवीन एक बच्चा जो 570 ला रहा है और एक, सॉरी, जो एक 400 ला रहा है बच्चा, और एक जो है 650 ला रहा है, बहुत डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत एक जीनियस है, इट इज जस्ट 1% डिफरेंस विच कंपाउंड्स बिकॉज इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। थैंक यू सो मच, आप इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें लिख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच माई डियर स्टूडेंट्स, है ना। अब आई होप कि आप मुझे थोड़ा सा रेस्ट देंगे और हम लोग आपके लिए पूरी हेल्प कर रहे हैं। अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, एक रिव्यू लिख देना, क्योंकि नेगेटिव बहुत रिव्यू लिखते हैं लोग, कहते हैं मैं लुटेरा हूँ, ठीक है, मैं चोर हूँ, ठीक है, मैं मनी माइंडेड हूँ, ठीक है, मैं बिजनेसमैन हूँ, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं मानता हूँ कि अगर मैं ये सब हूँ भी ना, और मुझे मेरे साथ मेरे बच्चे रात के 12:30 बजे 12:35 पे अगर पढ़ाई कर रहे हैं, सो आई एम हैप्पी आफ्टर बीइंग ऑल दिस इफ इट सैटिस्फाइज यू, ठीक है। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू, अगर आप चाहते हैं कि कुछ और करना, तो जस्ट ये जो सब लिख रहे हैं ये आप गूगल प्ले स्टोर पर लिख दीजिए, दैट इज ऑल व्हाट वी वांट। अब नेक्स्ट सेशन जो होगा, देख लीजिए शेड्यूल में, डॉक्टर प्रवीण है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो पढ़ाएंगे, आपको मजा आने वाला है, यू विल लव द सेशन, एंड इवन मोर देन दैट आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि क्या होता है ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन, है ना। आपके साथ सभी के साथ इंटरैक्ट करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहो, आपको 80 दिन का सुनहरा मौका मिला है, आई प्रोमिस यू, दिस इज प्रोमिस ऑफ अमन तिलक, ठीक है। अगर आप अच्छा करोगे, ठीक है, आप अगर इंप्रूव किए, मैं आपसे पर्सनली मिलूंगा आपके एग्जाम के बाद, अगर आप अच्छा करोगे। अच्छे से मेरा ये मतलब नहीं है कि 670 नंबर लाओगे, नहीं, अगर आपके अभी 200 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, और एग्जाम में आपके 450 नंबर भी आ जाएंगे, ठीक है, इट इज कितना परसेंट डिक्रीज, ठीक है, इट इज मोर देन 100% इंक्रीज इन मार्क्स। अगर आपके
आप अपने में इंप्रूव कर रहे हो, मैं आपसे पर्सनली मिलूंगा, आपको पर्सनली बातें करूंगा, हम लोग सेमिनार करेंगे, करियर काउंसलिंग की बातें करेंगे, सारी बातें करेंगे डॉक्टर। अगर आपको देखो एक और चीज, बहुत लोग आपको मिसगाइड करेंगे एमबीबीएस अब्रॉड के नाम पर। गाइस इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आपके अपने डॉक्टर पीयूष सर इज अ वेरी प्रोमिनेंट फिगर, एफएमजी की कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं और बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड उसके वो कोई एजेंट वेजेंट नहीं, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है। मैं पहले ही बता दे रहा हूं आपको, इशू बस ये है कि आपको अब देखो इनिशियली उनके बारे में सब बता देंगे कि भाई ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ बायो टीचर, ही इज अ फिजिक्स टीचर, ही इज एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, he teaches anatomy and physiology to FMGE students, apart from these he has other ventures too, unki event management company bhi hai rainbow creations, aap dekhte hoge agar notice kiye hoge physics fatafat pe Piyush sir ki beti jo hai Anya wo message karti hai rainbow ke naam se karti hai, that is his company of event management, so he is so much, I am nothing in front of them, I just consider him as he is my guru। आप डॉक्टर प्रवीण डॉक्टर रजत इन लोगों से पढ़िएगा, ये लोग मुझसे ठीक है, अगर अमन एक है ठीक है तो अमन को इनटू इतना आप कर दीजिए तो दैट इज डॉक्टर रजत स्लैश डॉक्टर प्रवीण स्लैश डॉक्टर पीयूष। मैं केवल एक, आई एम जस्ट अ सोशल सर्वेंट हु इज सर्विंग टू यू फॉर द बेटर of the entire society। मैंने आपको केवल ये नहीं, देखो मैं मानता हूं दो चीजें होती है डियर फ्रेंड्स ठीक है, एक होता है मोटिवेशन और दूसरा होता है इंस्पिरेशन ठीक है। अब मोटिवेशन में आप सुनोगे एक्सटर्नल इंटरनल ठीक है, इंटरनल ज्यादा लास्ट करता है लेकिन मैं आपको इंस्पायर करने में बिलीव करता हूँ, रादर देन मैं आपको मोटिवेट करूँ कि खुद से पढ़ो एनसीईआरटी खुद पढ़ो, उससे बढ़िया आपको इंस्पायर कर दिया कैसे पढ़ना मैंने बता दिया, अब आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ दिया, अब आप डिपेंडेंट नहीं हो, यू आर इनडिपेंडेंट ठीक है। और खुद से पढ़ो यार, मैंने अपनी सारी एनसीईआरटी ऐसे ही मार्क किए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स की मैंने मॉडर्न फिजिक्स की एनसीईआरटी अपलोड की हुई है, केमिस्ट्री की अपलोड की है, बायो की अपलोड की हुई है, एक बार देख लो आपको मजा आ जाएगा ठीक है। मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा अपनी एनसीईआरटी, आई एम टेलिंग यू यू विल लव इट है ना। ठीक है एक तो ये ले लो आप एनसीईआरटी के डायग्राम, आपको मैंने भेज दिए एक बार देख लेना इसको ठीक है, मैसेजेस मिस हो जाएंगे देख लेना एनसीईआरटी के डायग्राम्स। मेरा फोन की 1% बैटरी बची है और मैंने आपको सारी अपनी एनसीईआरटी का वीडियो दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, इससे आप पढ़ सकते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है आप इससे पढ़ो, मेरी खुद की एनसीईआरटी मैंने पर्सनली पढ़ी है और मैं केवल अंडरलाइन पढ़ता था, मेरी अंडरलाइन पढ़ लो, ये नहीं बोलूंगा 100% या 90% से ज्यादा, अगर एनसीईआरटी से कोई क्वेश्चन आते हैं 90 छोड़ो 95% से ज्यादा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में डंकी की चोट पे कहता हूँ केवल मेरी अंडरलाइनिंग से आ जाएगा, और मेरी अंडरलाइनिंग आपको देख के लगेगी बहुत अंडरलाइन है लेकिन खींचतान के 25-40% अंडरलाइन है पर चैप्टर, दैट्स ऑल, ध्यान से देखना ठीक है। मैंने ध्यान से अंडरलाइन किया, लेट से कोई ये है तो मैं उसमें बस ये किया ठीक है, ग्राफ्टेड किडनी, तो ग्राफ्टेड इज इंपॉर्टेंट और मैं इस पे क्या करूंगा सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, अब सेल मीडिएटेड पे कर दिया तो मेरे को याद रहेगा, मैं जब स्पीडी रिवीजन करूंगा मेरे को बस सर्कल पॉइंट देना है, ग्राफ्टेड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स से ये हटता है ना, मतलब इशू आता है ना, तो ये आप सब देख लेना। मैं मेरे से ज्यादा तारीफ करना चाहूंगा आप सभी की, यू आर द रियल जेम्स बिकॉज एंड यू आर नॉट ओनली ऑन द राइट पाथ, you also have the right strategy, it's just that you need one extra mile and you will hit the century theek hai, ek extra mile run karna hai, one extra mile kya hai, abhi raat mein 10-15 मिनट अपने को ब्रेक दो, उसके बाद क्या करो, उसके बाद एनसीईआरटी मेरी ही पढ़ लो, एक घंटा लगेगा, 2 बजे तक आगे जग लो पढ़ लो, अभी पहले खाना खा लो 20 मिनट, उसके बाद 1-2 पढ़ लेना, अगर इसको पढ़ लिया, मैं बाय वर्ड बता रहा हूं, आप यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, और
90% जनता से आप एक लीड पर होंगे, दैट इज मोर तो मतलब दैट इज नथिंग टू से, ठीक है, आप 90% जनता से बेटर हो जाओगे अगर आपने अभी एक घंटा और इन्वेस्ट किया और एनसीईआरटी पढ़ी। और कोई आपका डाउट हो कुछ, मतलब एकेडमिक बात पूछना, एकेडमिक बता दूंगा, लेकिन उससे अच्छा ना यार आप कुछ, मैं आपको और कुछ भी आप पूछना चाहो मेरे से, देखो ये लाइव रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, डू नॉट वरी, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। ये जो मेरा लाइव लेक्चर अगर आपने मिस कर दिया, आपको कुछ स्ट्रीमिंग का इशू आ रहा था, देखो बार बार कह रहा हूँ मेरे से एकेडमिक पूछ सकते हो, लेकिन एकेडमिक से अच्छा ना यार कुछ मेरे से लाइफ रिलेटेड पूछ लो, वो तुम्हें बहुत ज्यादा करेगा। अब तुम पूछ रहे हो कॉन्स्टिपेशन और इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज में क्या फर्क है। कॉन्स्टिपेशन मतलब कि आपको जो है डिक्रीज इन द सॉलिड कंटेंट ऑफ द स्टूल्स एंड डिक्रीज बॉवल मूवमेंट। तो एनसीईआरटी की लाइन एक बार देख लेना, मुझे थोड़ा सा इजी हो रहा है, मुझे सालों हो गए, पांच साल हो गए, ठीक है, अप्रोक्सीमेट तीन साल हो गए, ठीक है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है कि यार ये इंटेस्टाइन है, ठीक है, इसका ल्यूमेन है, इसमें बहुत सारे वर्म्स आ गए लेट्स से, और इट इज कॉज्ड बाय एस्कैरिस, मैं आपको पढ़ाया था, ठीक है, समझ गए। यूआईटीएस का न्यू शेड्यूल मिल जाएगा आपको, जिसमें कि यूआईटी 4 जो है ये फिर से रिकंडक्ट होगा 11 तारीख को है आपका, सेम सिलेबस एज यूआईटी 4। दो रीजन है, एक तो थोड़ा टेक्निकल इशूज था, दूसरा इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे जो फिजिक्स के वेव्स थे, ऐसे चलते सबसे बहुत सब सवाल आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपका 15 तारीख को फुल सिलेबस क्लास 11th का टेस्ट है, और 26 तारीख को फिर से आपका फुल सिलेबस क्लास 11th का टेस्ट है, ठीक है गाइस। आई होप आपको इस सेशन से केवल एकेडमिक नहीं, मोटिवेशन प्लस लाइफ में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। आई डो नॉट नो आपका नीट में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, बस मैं इतना बोल सकता हूं कि आप जाओगे तो एक चीज याद रखोगे कि अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, तो आपको मेरा फियर जरूर याद आ जाएगा, दैट इज ऑल व्हाट आई बिलीव। और नीट का सिलेक्शन आप पर डिपेंड करता है, आई एम अगेन सेइंग इट्स जस्ट वन एक्स्ट्रा माइल। साइनिंग ऑफ माय डियर फ्रेंड्स, गोइंग फॉर डिनर, आप लोग भी डिनर कीजिए, पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छा करोगे आप लोग। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर फ्यूचर गोल्स। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट।